ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में क्या है, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में क्या है कि अगर इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में अगर हम लोग डिस्क्राइब करें ठीक है, अगर हम ठीक है, अगर हम सेकंड लॉ की बात करें, अगर इसको इसको इक्वेशन के फॉर्म में दिखाया जाए तो क्या है कि इक्वेशन अगर इसका लिखा जाए तो क्या होगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, ये एक बेसिक इसका इक्वेशन है जिसमें बताया जा रहा है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। लेकिन अगर इसको डिफाइन किया जाए तो वेक्टर सम ऑफ वेलोसिटी, वेक्टर सम ऑफ फोर्स, यानी किसी बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस का अगर वेक्टर सम करें, ठीक है, तो वो जो है उस बॉडी के मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। जैसे अगर कोई एक बॉल है, अगर कोई एक बॉल है जिसके ऊपर n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहा है, n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं और अलग अलग डायरेक्शन से लग रहे हैं, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, तो होगा क्या कि इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम किया जाए तो एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा जो किसके बराबर होगा, वो मास उस बॉडी के, उस बॉल के मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये है सेकेंड लॉ, ठीक है, सेकेंड लॉ ये हो गया। ठीक है, अब सिंपल सा अगर इसमें बात करें कि वेक्टर्स किसको कहते हैं और स्केलर किसको कहते हैं, तो दो क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी होता है और एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है कि अगर किसी बॉडी को हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर देते हैं तो वो हो गया स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और अगर किसी किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए अगर हम उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर हमको डायरेक्शन भी बताना ज़रूरी होता है तो वो हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी। जैसे इस फिगर में मैंने जो फोर्स लगाया है उसका डायरेक्शन भी बताया, एरो से मैंने डायरेक्शन भी बताया कि वो फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका जो समेशन होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, ठीक है, जो वेक्टर सम होगा वो क्या होगा कि एक डेफिनेट डायरेक्शन में ही लगेगा, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे अगर हम और अगर हम एग्जांपल देखा जाए तो मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक, और टाइम जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ स्केलर क्वांटिटी है, इन तीनों चीज़ों में और बहुत सारी स्केलर क्वांटिटी होता है, इन तीनों चीज़ों में हमको क्या करना होता है कि बस उसके मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिकल वर्ड बोलना होता है जिससे हमको पता चल जाता है कि ये पूरी तरीके से डिफाइन हो जाता है। जैसे अगर मास की बात करें, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि 2 kg, ठीक है, 4 kg, 5 kg, तो ये एक यूनिट बताया जा रहा है, ठीक है, एक मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है जिससे हम क्या कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से डिफाइन हो जा रहा है कि मास कितना है, ठीक है। और अगर हम टाइम की बात करें तो 8 बज रहा है, 8:30 बज रहा है, 9 बज रहा है, 9:30 बज रहा है, तो हमको क्या बताना पड़ रहा है कि बस एक मैग्नीट्यूड बताना पड़ रहा है जिससे पूरी तरीके से पता चल जा रहा है कि ये एक पूरी तरीके से डिफाइंड है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें वेलोसिटी के बारे में, ठीक है, तो वेलोसिटी जो होता है कि वो उसमें डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर लेंथ की बात करें तो उसमें क्या होता है कि हम सिर्फ एक मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड जिसमें बताने से पूरा डिफाइन हो जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर उसमें डायरेक्शन भी बताना ज़रूरी है तो हम उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फोर्स, फोर्स लग तो रहा है लेकिन किस डायरेक्शन में लग रहा है अगर हम वो नहीं बताएंगे तो वो पूरी तरीके से डिफाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमको क्या होगा कि फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को ही बताना होगा, एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को ही बताना होगा, ठीक है।
वेट, ठीक है, बॉडी के वेट की बात करें तो उसमें क्या होगा कि उसके उसमें मास इनटू ग्रेविटी होता है, तो ग्रेविटी जो है वो एक तरीके से एक्सेलरेशन है अर्थ के ग्रेविटी फोर्स की वजह से, ठीक है, अर्थ के ग्रेविटी की वजह से, तो जिससे क्या होता है कि ये एक डायरेक्शन भी बताता है, तो हम वेट क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो सिंपल सी अगर बात करें हम कि अगर किसी बॉडी में किसी चीज़ को अगर हमको एक्सप्लेन करने के लिए अगर उसमें सिर्फ बॉडी मैग्नीट्यूड बताना पड़े तो वो स्केलर है, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन भी बताना पड़े तो वो वेक्टर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ को कहा जाए तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट है इसका, अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो जितने अमाउंट में हम फोर्स लगा रहे हैं बॉडी पे, ठीक है, उतने ही अमाउंट में वो बॉडी हमारे ऊपर फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। जैसे हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं, जैसे हम कोई बॉडी जो है वो अर्थ के ऊपर रेस्ट कर रहा है, अर्थ के ऊपर खड़ा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो क्या होगा कि ये बॉडी जो है वो अर्थ के ऊपर सरफेस के ऊपर जो है एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और जितने अमाउंट में ये बॉडी अर्थ सरफेस के ऊपर फोर्स लगा रहा है उतने ही अमाउंट में अर्थ जो है उतने ही अमाउंट में अर्थ जो है इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और रिएक्शन का डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, यानी क्वांटिटी ऑफ फोर्स जो है वो बराबर है, बस डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो अपोजिट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें न्यूटन्स थर्ड लॉ की तो उसमें क्या होता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अगर हम अर्थ सरफेस के ऊपर या किसी फ्लोर पे खड़े हैं तो जिस फ्लोर पे हम खड़े हैं उस पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं, तो जितना फोर्स हम फ्लोर पे लगा रहे हैं उतना ही फोर्स हमको हमारे ऊपर अर्थ सरफेस जो है या फ्लोर जो है वो हमारे ऊपर लगा रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन्स थर्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ हो गया, अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें क्या है कि ये एक्चुअल में इसको कहते हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है। इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से म्यूचुअली अट्रैक्ट होते रहते हैं, और वो उसी अट्रैक्शन की वजह से वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और वो रोटेट करते रहते हैं या अपने पोजीशन में फिक्स रहते हैं, ठीक है। तो जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताता है कि ये सिंपल सी बात है म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है, तो इस हिसाब से इस पूरे यूनिवर्स में जो भी बॉडी है भले वो अर्थ हो गया, मून हो गया, सन हो गया, मार्स हो गया, ठीक है, और दूसरे प्लैनेट्स हो गए, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से म्यूचुअली अट्रैक्ट होती हैं, जिसकी वजह से वो अपने पोजीशन पे फिक्स रहती हैं, रोटेट होती रहती हैं, या उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहता है, ठीक है। तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या किया गया है कि ये एक तरीके का फोर्स है, तो फोर्स इक्वल टू क्या है, अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो फोर्स इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का ये एक इक्वेशन है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का ये एक इक्वेशन है, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का एक इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन में क्या है कि ये जी जो है इस इक्वेशन में ये जो जी है
ये जो जी है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम जो है वो बॉडी वन का मास है, एम टू जो है वो बॉडी टू का मास है, और आर जो है वो बॉडी वन और बॉडी टू के सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। ठीक है, इनके बीच में बॉडी वन और बॉडी टू के बीच का जो है वो डिस्टेंस है एम टू आर टू सॉरी आर, बॉडी वन और बॉडी टू के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है, ठीक है। जहाँ पे जी जो है वो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या है, जी की जो वैल्यू है वो 6.67 इंटू 10^-11 है, ठीक, मीटर क्यूब अपॉन केजी सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक। तो ये हो गया लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। फिर उसके बाद डी'एलेम्बर्ट प्रिंसिपल है, जो क्या है, सेकेंड लॉ की तरह ही है, न्यूटन सेकेंड लॉ की तरह, जिसमें क्या है, हम सेकेंड लॉ में क्या पढ़ते थे, वेक्टर सम ऑफ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। यानी डी'एलेम्बर्ट प्रिंसिपल को अगर लिखना हो तो इसको अगर कुछ नहीं करना है, फोर्स माइनस वेक्टर सम ऑफ फोर्स माइनस मास इनटू एक्सीलरेशन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इसको फर्दर हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें और क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं, अभी हम बेसिक इसको बस डिफाइन कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या है। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, जनरल प्रिंसिपल्स में इम्पल्स को पढ़ेंगे और मोमेंटम को पढ़ेंगे इसमें आगे फर्दर, ठीक है। फिर वर्क और एनर्जी को भी पढ़ेंगे, ठीक है, वर्क किसको कहते हैं और एनर्जी किसे कहते हैं इसको भी पढ़ेंगे हम आगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क इसको भी स्टडी करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैकेनिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको बहुत हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। जितने भी मैकेनिक्स में प्रॉब्लम्स आते हैं हम इन्हीं के मदद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये जितने भी जनरल प्रिंसिपल्स हैं, कुछ इक्वेशंस बनते हैं, कुछ लॉ होते हैं, ठीक है, जैसे लामिस थ्योरम आएगा, तो इन सारे चीज़ों को हमें यूज़ करके हम मैकेनिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टैटिकल एनालिसिस क्या होता है, कि स्टैटिकल एनालिसिस में क्या होता है कि हम उसकी स्टडी करते हैं जो पूरी तरीके से उस बॉडी पे स्टडी करते हैं जिनके ऊपर फोर्स लग रहा हो और वो इक्विलिब्रियम में, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, फोर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। स्टैटिकल एनालिसिस में क्या होता है कि जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है और वो पूरी तरीके से रेस्ट में है, ठीक है, तो हम स्टैटिकल एनालिसिस में फोर्स की भी स्टडी करते हैं और बॉडी की भी स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर फोर्स सिस्टम रिजल्टेंट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, किसी भी फोर्स सिस्टम में किसी भी बॉडी पे एन नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हैं, कई तरीके से फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, और उस सिस्टम में कई तरीके के फोर्स लगने के बाद उसके रिजल्ट्स की स्टडी करते हैं हम उसके रिजल्ट्स को अगर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, उसको रिजल्ट्स को डिफाइन करते हैं, तो उसको भी इसमें स्टैटिकल एनालिसिस में स्टडी करते हैं। फिर स्ट्रक्चरल एनालिसिस, किसी स्ट्रक्चर में जब लोड लगता है तो उसकी भी हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, इन सबको आगे फर्दर एक्सप्लेन किया जाएगा, SFT, BMD, टॉर्शन, ठीक है, ट्विस्टिंग, ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है, एक्सियल फोर्स, कंप्रेशन, टेंशन, ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हम करते हैं। फिर उसके बाद
इंटरनल फोर्सेस को भी स्टडी करते हैं, ठीक है। जब हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर एक इंटरनल फोर्स इंड्यूस होता है, ठीक है, तो हम उसकी भी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हुक्स लॉ आता है, इलास्टिक लिमिट आता है, प्लास्टिक लिमिट आता है, प्रोपोर्शन लिमिट आता है, तो इन सारी चीज़ों को भी हम स्टडी करते हैं। तो बेसिक चीज़ में ये है कि जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि इंटरनल फोर्स जो है वो इंड्यूस होता है, उसकी भी स्टडी करते हैं। फिर फ्रिक्शन की स्टडी करते हैं, हम बॉडी अपनी बॉडी का मोशन करते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, या व्हीकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो जिस वो किसके कारण से मूव होता है, वो फ्रिक्शन के वजह से ही एक जगह से दूसरी जगह हम मूवमेंट कर पाते हैं, हम फ्लोर पे पैदल चल पाते हैं। तो वो क्या होता है कि फ्लोर और हमारे बीच के जो फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं उनके वजह से ही मूव करते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेंट्रॉयड की भी स्टडी करते हैं, बॉडी का सेंट्रॉयड, किसी बॉडी का सेंट्रॉयड पता करना हो कि उसका सेंट्रॉयड कहाँ पे है, उसकी भी हम स्टडी करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की भी स्टडी करते हैं, किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा और कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन है या सर्कुलर है या स्क्वायर है या वुडन लॉग का जो भी है, तो उसको भी हम स्टडी करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। फिर वर्चुअल वर्क और स्टेबिलिटी की भी स्टडी करते हैं, ठीक है। ये सारे मेथड जो है वो एनालिसिस करते हैं हम स्टैटिकल एनालिसिस में, ताकि हम बता सकें सारे मैकेनिकल सिस्टम को हम स्टडी कर सकें और उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करके हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। फिर उसके बाद डायनेमिक स्टडी करते हैं, ठीक है। डायनेमिक स्टडी में हम क्या करते हैं कि उस सारे बॉडी पे स्टडी करते हैं जो मोशन में है, ठीक है। डायनेमिक स्टडी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, काइनेमेटिक और एक काइनेटिक। तो काइनेमेटिक ऑफ ए पार्टिकल में अगर हम डायनेमिक स्टडी में बात करें, डायनेमिक स्टडी में बात करें, तो काइनेमेटिक में क्या होता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हम उसकी स्टडी करते हैं, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन कितना है, उस पर टाइम लैप्स कितना लग रहा है उसको एक्सेलरेट करने में, या उसको एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने में उसमें उसको कितना टाइम लग रहा है, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं। लेकिन बॉडी किसकी वजह से मोशन में आया है हम इसको नहीं कंसिडर करते हैं, यानी जिस फोर्स की वजह से वो बॉडी मोशन में आया है हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन उस बॉडी के मोशन को हम कंसिडर करके सारी चीज़ें को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम लैप्स, ये सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन काइनेटिक में बात करें, काइनेटिक्स में अगर ये भी डायनेमिक का एक पार्ट है काइनेटिक्स, तो अगर हम इसमें बात करें तो हम बॉडी को स्टडी करते हैं, उसके मोशन को स्टडी करते हैं और उसके फोर्स को भी स्टडी करते हैं, उस पर लगने वाले फोर्स को भी स्टडी करते हैं और बॉडी के मोशन को भी हम स्टडी करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद वर्क और एनर्जी को भी हम स्टडी करते हैं, किसी बॉडी पे वर्क करने के लिए कितना एनर्जी लगाना है या कितना एनर्जी लग रहा है, ठीक है, तो हम उसको स्टडी करते हैं। किसी बॉडी पे वर्क करने के लिए हमको कितना फोर्स लगा रहा है, किसी बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए हमको कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, उस पर वर्क करने के लिए कितना हमको फोर्स लगाना पड़ रहा है, उसमें कितनी एनर्जी हमको लग रही है या एनर्जी कितना डिसिपेट हो रहा है, ठीक है, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। फिर इम्पल्स और मोमेंटम को भी स्टडी करते हैं डायनेमिक में, ठीक है। इम्पैक्ट लोड, जैसे अगर किसी बॉडी पे हम लोड लगाते हैं, अगर ग्रेजुअल लोड लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसका बिहेवियर कुछ अलग होता है, लेकिन अगर उतने ही अमाउंट अगर लोड हम इम्पैक्ट के फॉर्म में लगाते हैं तो उसका क्या होता है कि उसका इफेक्ट जो है वो बॉडी पे अलग होता है। तो हम सारी चीज़ों को इसमें स्टडी करते हैं इम्पल्स और मोमेंटम का, ठीक है। फिर प्लेनर काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स को स्टडी करते हैं, जब हम किसी फ्रेम ऑफ 2D फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हम मोशन कर रहे होते हैं तो उसको कहते हैं प्लेनर, ये 2D मोशन है, ठीक है। किसी 2D प्लेन में अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है और हम उसके कॉज ऑफ मोशन को ना कंसिडर करके सिर्फ बॉडी के मोशन को स्टडी करते हैं तो वो प्लेनर काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं, और अगर किसी 2D प्लेन में हम बॉडी के मोशन को भी स्टडी करते हैं और किसकी वजह से कॉज ऑफ मोशन को भी हम अगर स्टडी करते हैं, किसकी वजह से बॉडी मोशन कर रहा है उस कॉज को भी स्टडी करते हैं, उस फोर्स को भी स्टडी करते हैं, तो हम यहाँ प्लेनर काइनेटिक्स में उसको उसकी स्टडी करते हैं। फिर 3D काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स है,
3D काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब बॉडी जो है वो स्पेस में मूव कर रहा हो, ठीक है, तो हम और हम फोर्स को कंसिडर ना करके सिर्फ बॉडी के मोशन को कंसिडर करते हैं तो वो 3D काइनेमेटिक्स में स्टडी करते हैं। लेकिन अगर कोई बॉडी 3D डायमेंशनल स्पेस में अगर मूव कर रहा हो और हम उसके मोशन को स्टडी करते हुए कॉज ऑफ मोशन को भी अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो हम 3D काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं। फिर वाइब्रेशन की भी स्टडी करते हैं, ठीक है, वाइब्रेशन की भी स्टडी करते हैं, ठीक है। ओके, अब थैंक यू क्लास। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स इन रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।